ये देखेंगे कि उसका टाइटल कैसा है, इमेजेस को कैसे यूज़ कर रहा है, बुलेट पॉइंट कैसे हैं, कीवर्ड को यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी जो ए प्लस कॉन्टेंट है वो कैसा है, वीडियो कैसी है उसकी, वो रैंक कितने कीवर्ड पे हो रहा है, पीपीसी चला रहे हैं नहीं चला रहा है, ये सारी चीज़ें हम लिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए करते हैं। तो ये हम प्राइवेट लेवल के लिए भी कर रहे होते हैं, प्राइवेट लेवल में हमारे अपनी लिस्टिंग होती है उस पर हम काम कर रहे होते हैं, और अगर हम होल सेल में किसी ब्रांड को अप्रोच कर रहे हैं और उसको क्या कहते हैं ना एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम पहले उस ब्रांड पर रिसर्च करके एक वैल्यू एडिशन के लिए एक रिपोर्ट बना लेते हैं कि हम आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो ताकि वो हमसे पेड अकाउंट होते हैं। तो आज का जो सेशन है वो हमारे बहुत मेम्बर है सलाम, ठीक है, ये लेंगे, तो ठीक है, बाकी जो सेशन है वही आगे आपको बता, ठीक है, जैसा सबको बता दिया मेरा नाम सलाम है, हमारा टॉपिक है वो लिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सर। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जो आ जाता है हमारा अमेज़न एसईओ हम किस तरह करते हैं, आप सब ने गूगल एसईओ के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि रैंक करने के लिए वेबसाइट रैंक करने के लिए गूगल एसईओ कराई जाती है, तो इसी तरह हम अमेज़न एसईओ भी करते हैं, जिसमें जो हमारी प्रोडक्ट है वो फिफ्थ या सिक्स या पेज से लेकर हम फर्स्ट पेज पर रैंक करवा रहे हैं, तो इसमें हमें अमेज़न एसईओ की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारे जो बायर को वो ईजी हो जाता है कि वो अपनी हमारी प्रोडक्ट को आसानी के साथ सर्च कर सकें। इसमें कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जिसमें हमारी पेजिंग है, टाइटल है, बुलेट पॉइंट है, डिस्क्रिप्शन है, बैकएंड सेक्शन है, और प्रोडक्ट प्राइस है, और स्टोर फ्रंट है, इसके बारे में हम जानेंगे किस तरह हम इसको ऑप्टिमाइज करके अपने लिस्टिंग को बाहर को और ज़्यादा अच्छे से विजिबल करा सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम टाइटल पे, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट जो मेन चीज़ होती है वो उसके टाइटल पे, क्योंकि टाइटल से हमारी जो है वो प्रोडक्ट ज़्यादा बाहर को विजिबल होती है, तो जब हम अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा ख्याल इस बात का रखना होता है कि हम ज़्यादातर अपने हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को यूज़ करें, बजाय इसके कि बिना हम रेलिवेंट कीवर्ड ना और हम उनको यूज़ करें, तो ये एडवांस सेलर्स के लिए भी है, और साथ में जो अभी लिस्टिंग को स्टार्ट प्रोडक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, हंट कर चुके हैं, सोर्सिंग कर चुके हैं, तो वो चाह रहे हैं कि अब उनकी यानी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन लिस्टिंग को, तो हम इसमें कुछ चीज़ देख लेते हैं जो टाइटल में है, जो होलसेल वाले ना हमें पता टाइटल जो एक हाथ या लिस्टिंग साथ में बोल भी लो और बता दो टाइटल चाहिए, मैं जो चीज़ के बारे में बताने आ रहा हूँ उनको बताने में ये चीज़ के बारे में होगा बराबर वाली लिस्टिंग में देखो ये तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के जो टाइटल है वो ये है, इसमें उसने अपने मेन कीवर्ड भी यूज़ करे हैं और अपने रेलिवेंट कीवर्ड भी यूज़ करे हैं, ताकि उसकी जो स्टोर की विजिबिलिटी है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब इसमें ये चीज़ें आती हैं कि हम इसको किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इसको हम अपने जो है कीवर्ड रेलिवेंट कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि जो हमारी विजिबिलिटी है और ज़्यादा हो हमारे स्टोर, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कीवर्ड अपने हाई रेलिवेंट कीवर्ड यूज़ करेंगे और हाई सर्च वॉल्यूम, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर को देख सकें। दूसरी चीज़ दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हम, वो है हमारी बुलेट पॉइंट्स, अगर हम देखें इस स्टोर में जी में
गोल्स सेकंड नंबर पे आ जाता है तो हम इसमें अपने फीचर्स वगैरह के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट किस किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हम इसमें अपने जो है हाई सर्टोलियन कीवर्ड्स को भी यूज़ करेंगे, साथ में जिन जिन जिनका वॉल्यूम थोड़ा कम भी है उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ साइट कीवर्ड। तो इस पे हमारे हमने सारी चीज़ें फीचर्स वगैरह हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि जो भी बायर या भाई हमारे लिस्टिंग को ओपन करें तो उसको हमारी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स के बारे में पता चल सके कि किस तरह यूज़ होते हैं। दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन या EBC कंटेंट। EBC कंटेंट स्टैंड फॉर A+ कंटेंट। तो इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि जो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं उनको A+ कंटेंट अमेजोन जो है वो प्रोवाइड करता है और जो नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं वो उनके पास जो है ब्रांड डिस्क्रिप्शन की सिर्फ ऑप्शन होता है लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरह विजिबल नहीं करते। A+ कंटेंट में ये है ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी होती है और प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बताया जा सकता है कि किस तरह हमारे प्रोडक्ट दिख रही है। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इमेजेस में भी टेक्स्ट यूज़ किए हुए हैं और साथ में जो है वो इसके टेक्स्ट भी यूज़ करे हुए हैं और इमेजेस भी यूज़ करी हैं। अगर हम इस ब्रांड को देखें तो इसमें इन्होंने यहाँ पर ये अपने कुछ फीचर्स वगैरह भी यूज़ करे हुए और साथ में कीवर्ड्स भी यूज़ करे हैं। A+ कंटेंट जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर बायर ये करते हैं कि अपनी जो सेलर ये करते हैं कि अपनी जो प्रोडक्ट की पिक्चर्स होती हैं वो सिर्फ पिक्चर यूज़ करते हैं उसी में टैक्स यूज़ करते हैं जबकि अमेज़न SEO पे इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अमेज़न अगर आप इसमें अपने टैक्स भी यूज़ करें A+ कंटेंट में जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आप जब एडिट करेंगे तो उसमें कीवर्ड्स का भी ऑप्शन आते हैं।